सवाल आया नमिता जी से, व्हाट इज धर्मासन? बढ़िया सवाल है, क्योंकि धर्मासन भारत से संबंधित जापानी चीज है। ये खुशकिस्मत और अच्छा बिजनेस का निशाना माना जाता है। ये धर्मा बोधि धर्म नामक भारतीय पुजारी के नाम से आया है। ये बोधि धर्म जी 5वीं शताब्दी के आसपास में भारत से चाइना गए थे और वहाँ पर ज़ेन बुद्धिज्म शुरू किया है। और ऐसा भी कहा जाता है बोधि धर्म जी ऐसे बैठकर 9 साल के लिए तपस्या करने की वजह से हाथ और पैर दोनों सड़ गए हैं। उनके चित्र जापान में भी फैल गई और ये धर्मा बनाया गया था। ये धर्मा के पास हाथ और पैर दोनों नहीं है, हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करे तो फिर भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये धर्मा गिरते नहीं है, हमेशा खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम इसको खुशकिस्मत मानते हैं। फिर मिलेंगे।